तो भाई जब सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमा है, सभी राज्यों की अपनी अपनी मान्यता है, तो मेरा राज की बाबा जी का ढाबा लगे। चलेंगे सुनील दादा का जयंती है और हम भी सुनील दादा का वंशज है। चलो संता छाती में बोलिए, सुनील महतो झारखंड के इतिहास का एकमात्र एमपी जो गोली खाया है, उसी परिवार से आते हैं। किससे डरेंगे रे? कि झारखंड में 1932 के खतियान किए लिए आंदोलन लगातार साल भर से चल रहा है। नौजवान उपस्थित हैं, अनुभवी अभिभावक उपस्थित हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति को इस तथ्य को समझना होगा कि आखिर आज इस राज्य में लड़ाई की आवश्यकता क्यों है। आज यदि हम लोग लड़ने के लिए सड़कों पर नहीं आते हैं और सड़कों से होकर सदन तक नहीं जाते हैं, तो आने वाले 20 सालों में झारखंड का क्या नुकसान होगा, ये प्रत्येक नौजवान को, ये प्रत्येक झारखंडी आवाम को आज थोड़ा समझना होगा। आप देख सकते हैं, यदि कोई ऊंची इमारत है, इस आस पास चढ़ के देखिए, जहाँ से आपको रांची और बोकारो के कुछ हिस्से नजर आते हैं, तो देखने का प्रयास कीजिए, जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखेंगी, वह जमीनें तो झारखंडी की हैं, लेकिन इमारतें सबकी सब गैर झारखंडी की। इसीलिए अगर आज नीति नहीं बनती है, आज अगर आप लोग नीति के लिए नहीं लड़ते हैं, तो 20 सालों में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे साल भर से मैं झारखंड में आंदोलन के लिए भ्रमण कर रहा हूँ, गांव गांव गली गली, लगभग 18 जिला, लगभग 125 ब्लॉक में जाने का काम किया हूँ। जो स्थिति सामने है, ये यही सामने है कि आने वाले 10-15-20 सालों में लगभग 10% झारखंड के लोग शरणार्थी हो जाएंगे। उदाहरण सामने है, आप ही का पूर्व जिला हजारीबाग, जो कभी रामगढ़ हजारीबाग गांव था, बड़का गांव का गोदलपुरा गांव, लोग रात को खाना पीना खा के आराम से सोते हैं, सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो उनके दीवालों पर एक पोस्टर चिपका हुआ मिलता है कि फलना एकड़, फलना खाता नंबर, इतना इतना प्लॉट नंबर, इतना से लेकर इतना तक की चौहद्दी की जमीन है, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जो अडानी साहब का है, देने का चर्चा चल रहा है। यदि आपको दिक्कत है, इतना तारीख तक ऑब्जेक्शन बता दीजिए, नहीं तो अगला दिन जो पोस्टर चिपकेगा कि 3000 प्रति एकड़ आपका जमीन का रेट तय किया गया है। ये पूरे झारखंड का कंडीशन है, ये केवल एक जिला, एक राज्य और एक प्रखंड का नहीं, एक गांव का नहीं, पूरे झारखंड का कंडीशन है। जो जमीनें हमारी है वो उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, और जो नौकरियां हमारी है वो गैर झारखंडियों को बेचा जा रहा है। इसीलिए आज की लड़ाई निर्णायक है, बाकी लड़ना ना लड़ना ये झारखंड की जनता तय करेगी। हम लोग केवल जगाने का काम कर रहे हैं, हम लोग एक मैसेज लेकर आए हैं। हम और आप कुछ विशेष नहीं है, आपका भी दो आंख है, मेरा भी दो आंख है, लेकिन एक कहावत है ना कि बतवा तो पेट में हले मुंह में नहीं वाले, बस हम मुंह से बोल दे रहे हैं कि ये हो रहा है, क्योंकि आसान नहीं है बोलना भी, आज के डेट में आसान नहीं है। मुख्यमंत्री को चुनौती देना, सामने एसपी डीएसपी का बैठा उसको चैलेंज करके बात करना आसान नहीं है, बस हम वही काम कर रहे हैं जो आपके पेट में है, हम जबान से ला के रख दे रहे हैं कि गलत कहां हो रहा है, ताकि जैसा आप है वैसा हम भी। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को इस बात को समझना होगा, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, आज जो यहाँ भाई लोग बहन लोग पुरस्कार जीत कर जाएंगे, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, खेल स्पोर्ट्स कोटा के तहत उसके लिए नौकरियों में प्रावधान है, उसको बहुत तरह की फैसिलिटियां दी जाती है, लेकिन हमारे राज्य की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। खेल की अगर बात कही जाए तो आज हमारे राज्य की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। आज पढ़ने वाले नौजवान यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास एक नियोजन पॉलिसी नहीं है जो ये तय कर पाए कि किस प्रकार फॉर्म भरा जाए, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एक नीति हमारे पास नहीं है। कोई भी नया राज्य, नया जिला या नया ब्लॉक बनता है तो सबसे पहला जो होता है कोई नीति बनती है, डोमिसाइल हो या फिर एम्प्लॉयमेंट की हो या फिर अन्य नीतियां हो, यानी कोई भी राज्य अगर बनता है तो सबसे पहले एक नीति बनती है जो उस राज्य को सुचारू रूप से संचालन करने में भूमिका का निर्वहन कर सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, फुटबॉल का जो 5 मिनट का, और अभी जो हम लोग दौड़ने के लिए निकले, यहाँ भी एक रूल था कि निर्णायक महोदय झंडा दिखाएंगे, सीटी बजाएंगे, फिर आप दौड़ लगाएंगे। फुटबॉल का जो पेनल्टी का 5 मिनट का खेल होता है, उसमें रूल बनता है कि कैसे खेलना है, कैसे गोल करना है, गोलकीपर कहाँ खड़ा होगा, लेकिन कितना दुर्भाग्य का विषय है
लगभग 3.5 करोड़ पॉपुलेशन, 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ झारखंड राज्य बिना नियम का चल रहा है। इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि इस राज्य के कौन है, इस राज्य की नौकरियों में फॉर्म कौन भरेंगे, कोई पॉलिसी इस राज्य के पास नहीं है। और मेरा मानना है अगर राज्यों के, भारत के तमाम राज्यों की बात करें और तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे झारखंड इकलौता राज्य है जिसके पास पॉलिसी नहीं है। बाकी सभी राज्यों की अपनी पॉलिसी है। यही आपका गोला प्रखंड के बाद बंगाल आता है। मैडम ममता बनर्जी की सरकार है, क्या आपको वहाँ हल्दार में रखेंगे? नहीं रखेंगे। यहाँ झारखंडी लोग दामाद बना के रखे हैं गैर झारखंडी को। अभी बता दीजिए यही है ना बंगाल आपके बगल में, चले जाइए 4 को फॉर्म अप्लाई करके दिखाइए। यही हमारी राज्य से सटा हुआ उड़ीसा है, किसी कोने में छत्तीसगढ़ है, किसी कोने में उत्तर प्रदेश है, तो किसी कोने में बिहार है। चले जाइए आप, देखिए क्या बर्ताव होता है आपके साथ। तो भाई जब सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमा है, सभी राज्यों की अपनी अपनी मान्यता है, तो मेरा राज्य की बाबा जी का ढाबा लगे। चला कहे हुए तो गांधी से तो कोई रूल ना है, कोई रेगुलेशन ना है, और तंबू गाड़ दलो और अगला दिन कहो हम झारखंडी लगे। अच्छा कभी गौर किया है आपने कि झारखंड में एक पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही है? यदि झारखंड में पॉलिसी नहीं बन पा रही है तो ऐसे में तो सवाल खड़ा होता है उन आईएसओ पर जो भारत देश की सर्वोच्च इम्तिहान को पास करके बैठे हैं, कि आप आईएस गिरी करने आए हैं कि कोयला बालू दारू चोरी करने आए हैं? एक पॉलिसी नहीं बन पाई है, किस बात का डर भाई? आईएस तो कहा हुआ, एस का मने सर्विस होता है, सर्विस मने सेवा होता है, और सेवा करने वाला को सेवक कहते हैं, और जो पैसा वाले के कहते हैं उसको नौकर कहते हैं। हाँ आप हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्स से आपको पेमेंट मिलता है। अब बदलिए अपने अंदर के डर को, उखाड़ के बाहर फेंकिए। ये देश राजा का नहीं है, ये देश जनता का है। ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डर को बाहर फेंकिए, हमारे डरने की आदत ने, हमारे गिड़गिड़ाने की आदत ने हमारी ये दुर्दशा की है। क्यों नहीं सवाल खड़ा करेंगे? 22 साल के झारखंड में एक पॉलिसी नहीं बना पाए हैं। पॉलिसी बनाने का काम सेक्रेटरीट का होता है, जो मंत्री परिषद होते हैं उनके सलाहकार का काम होता है, और वो काम आईएएस के लोग देखते हैं। हम क्यों नहीं सवाल करेंगे कि आप यहाँ आईएएस बनने आए हैं या कोयला का सेटिंग करने आए हैं? ये तो बताना हो आपको, और आप तो बता दे रहे हैं। मैडम पूजा सिंगल तो बता दी 25 करोड़ लेके कि क्या करने आए हैं, हम कहाँ बता रहे हैं, हम कहाँ बता रहे हैं। और सब तो साफ साफ कह रहे हैं पूजा सिंगल इज नॉट सिंगल, सिंगल थोड़ी है। और हम नहीं कह रहे हैं, भले आज ये लोग पावर में है, सत्ता में है, कलेक्टर के पद में है, एक दिन आएगा सबका बही खाता खुलेगा, और हमारे पास अंदरूनी आंकड़े हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और हम अपने आप को थोड़ा सा मजबूत पाएंगे, नाम ले लेके बता देंगे कि किस किस कलेक्टर का, डिप्टी कलेक्टर का दिल्ली में फ्लैट है, और उसका शुरुआत होता है 15 करोड़ से। सारा लिस्ट जमा करके रखे है, वेट एंड वॉच। डर नहीं लगता है, एक पैसा डर नहीं लगता है। अरे काहे डरेंगे, सुनील दादा का जयंती है और हम भी सुनील दादा का वंशज है। सुनील महतो झारखंड के इतिहास का एकमात्र एमपी जो गोली खाया है, उसी परिवार से आते हैं। किससे डरेंगे रे? तुम्हारे बाप का है झारखंड, उनका खून बहा है, किसी से डर नहीं है। वेट एंड वॉच, समय आने दीजिए। उस जिला के कलेक्टर के ऑफिस से बाहर खड़ा के कह देंगे कि ये कलेक्टर तौर कितना कमीशन हो रहे बताओ। समय अगर जिंदा है सबका हिसाब उसके कलेक्टर ऑफिस के बाहर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक पॉलिसी नहीं बन पाई है। यहाँ के स्टूडेंट मुर्गी चेंगना बेच कर खेत खलिहान से धान उपजा कर हजारीबाग में तैयारी करता है, कोई रांची के हॉस्टल में तैयारी करता है, और आप पॉलिसी नहीं बना पाते हैं। हमारे स्टूडेंट रोते हुए बिलखते हुए हॉस्टल में जाके पढ़ाई करते हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, और आप राज को लूटने का काम करते हैं। तो अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि 24 में यदि बदलाव नहीं हुआ रांची के विधानसभा में तो झुमरा खाली है, आवाज भी दे रहा है। झुमरा खाली है, आवाज भी दे रहा है।
और देखिए फारस खान को बेचने का तैयारी भी, हम भाषण में बहुत सीरियस लेते हैं लोग मेरा भाषण को। हम जब बोले थे सत्याग्रह के सामने, विधानसभा के सामने बोले थे कि अगली सरकार हम फारस खान के ऊपर बनाएंगे और फारस खान के ऊपर देखने में भी सुंदर लगेगा, सादा सादा विधानसभा ऊपर में है। इन लोग विधानसभा के बाहर हमें बात को बोले थे, आज इन लोग फारस खान को बेच रहे हैं, पता है कि नहीं।